वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्। साथियों नमस्ते। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हमने ये जो आरंभ में श्लोक बोला ये सब प्रयोजन है, और इसका कारण यह है कि भाषाओं की जब मैं अबाध गति को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये पूरा विश्व जो है, पूरी वसुधा जो है, उनमें जितने भी भाषाएं हैं वो भले ही भाषा विज्ञानियों ने अलग अलग कुटुंबों में अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से उनको विश्लेषित किया, विभाजित किया, लेकिन वास्तव में ये पूरी वसुधा जो है वो कुटुंबी है। और इस श्लोक का अर्थ यह था कि अयम निजह परोवेति, अयम निजह ये मेरा है, परोवेति, परोवेति ये दूसरे का है, पर का है, गणना लघुचेतसाम, इस प्रकार की जो गणना है वो लघुचित्त वाले, लघु हृदय वाले व्यक्तियों को शोभित होती है, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण भूमि ही एक कुटुंब है, एक परिवार है। और इन्हीं भावों के साथ हम तत्सम और तद्भव शब्दों की हम बात कर रहे थे। साथियों आज पूरा विश्व, जैसा कि हम जानते हैं, यदि मैं कहूं कि एक प्लेटफॉर्म पे है गूगल के माध्यम से, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो हमारे पास ये जो संसाधन है इसके माध्यम से ये पूरी सृष्टि एक मंच पर है, लेकिन आज से 500-700 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यहां पर कई सभ्यताएं आई, कई संस्कृतियां आई, और उन सभ्यताओं और संस्कृतियों ने अपने शब्दों को यहां पर छोड़ दिया जो आज हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत काम आते हैं। हिंदी भाषा, जैसा कि मैं आपको सदैव यह कहता हूं कि हिंदी एक भाषा नहीं है, अभी तो ये भाषाओं का एक समूह है, और समूह इसलिए है क्योंकि हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये पांच प्रकार के शब्दों का जब मेल होता है तब हम उसे हिंदी कहते हैं। तो साथियों हिंदी जो स्वयं जो शब्द है वो भी फारसी भाषा का शब्द है, मैंने कई बार ये बात बताई है, और उसकी वर्णन यात्रा जो है, उसकी विकास यात्रा जो है, उसके बारे में मैंने बात करी है। मैं सीधा सीधा इस बिंदु पे आता हूं। आज हम दो प्रकार के शब्दों के विषय में बात करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने तत्सम और तद्भव के बारे में बात करी थी। साथियों आज हम बात करेंगे देशज शब्द क्या होते हैं और विदेशज शब्द क्या है। देखिए देशज ये जो शब्द है इसमें एक शब्द है देश और दूसरा है ज। ये जो शब्द है इसका अर्थ है ज किसी भी शब्द के अंत में आ जाता है प्रत्यय के रूप में, तो इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जैसे एक शब्द मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा अग्रज, तो अग्रज का अर्थ क्या हुआ, अग्र अर्थात आगे, ज अर्थात जन्म लेने वाला, अनुज अनु पीछे, ज जन्म लेने वाला। इसी प्रकार से देश अर्थात देश विशेष में, देश विशेष में जन्म लेने वाले, देश विशेष में जो जन्म लेने वाले जो शब्द हैं, जन्म लेने वाले जो शब्द हैं, वह जो शब्द हैं उनको हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। ये पारिभाषिक शब्द हो गया है। अब देश में तो मैं भी पैदा होता हूं, इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो देश में पैदा नहीं होता हो, लेकिन ये देशज शब्द अब पारिभाषिक शब्द है, और पारिभाषिक शब्द होने का मतलब ये हुआ कि देशज इस शब्द का प्रयोग शब्द के संदर्भ में ही होता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनका हमारे देश विशेष में ही जन्म हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, देशज। ये जो देशज जो शब्द है इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसको देशी नाम से कहा है और कुछ विद्वानों ने इसे देश जात कहा है, देश जात। साथियों इन्हीं शब्दों के लिए एक शब्द और प्रयुक्त होता है और वो शब्द होता है मुल्की, अर्थात मुल्क विशेष के जो शब्द हैं, या इसी प्रकार से एक और शब्द है वतनी, वतन वाले, वतनी वतन वाले।
इसी के लिए एक देशी शब्द का प्रयोग भी होता है। तो देशी शब्द है, देश जात है, मुल्की है, वतनी है और देशी है। इस देशर शब्द के यह पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना चाहिए। साथियों, ये देशी शब्दों की, देशी कहूं या देश जात कहूं या मुल्की कहूं या वतनी कहूं या देशी कहूं, बात एक ही है। देशी शब्दों के विषय में आचार्य भरत मुनि ने, मुझे एक बात याद आती है कि अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में ऐसे शब्दों को उन्होंने देशी कहा है जो संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों से भिन्न हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट, यहां से आपकी अवधारणा बनने वाली है। यह कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको आप अंत तक जुड़ करके देखिए। साथियों, परीक्षा के लिए तो ये बिंदु होते ही हैं, लेकिन हमें शब्दों को जानना, उन शब्दों का जो कुतूहल है उसके विषय में समझना, यह हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए, और यहां से आपको बहुत सारी बातें मिलने वाली है। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ऐसे शब्दों को देशी अथवा देशीय शब्द या देश जात या मुल्की या वतनी शब्द के नाम से पुकारा, जिन जो शब्द संस्कृत के तत्सम और उन तत्सम से उत्पन्न जो तद्भव शब्द है उनसे जो भिन्न शब्द हुए। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि देशज जो शब्द है वो तत्सम और तद्भव से एक भिन्न वर्ग में, एक भिन्न कुल, एक भिन्न संवर्ग, या यूं कह सकता हूं कि एक भिन्न भाषाई परिवार में उसकी हमें गिनती करनी चाहिए। रुद्रट एक संस्कृत के विद्वान हुए और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी काव्य अलंकार, और उस काव्य अलंकार में रुद्रट कहते हैं, रुद्रट ने यह कहा है कि ऐसे शब्द जो हैं वो देशी शब्द होते हैं जिन जिनकी प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय मूला, प्रकृति मूला व्युत्पत्ति कह सकते हैं, मूला व्युत्पत्ति जो है वो जात नहीं हो। तो आपसे यदि कोई कहे कि प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति जात नहीं होती है, ऐसे शब्दों को, जात नहीं होती है ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को हमें देशज शब्द कहना चाहिए। साथियों, यहां पर पहले, सबसे पहले मैंने लिखा है अजात व्युत्पत्ति, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति, मैंने आपको बताया है मनुष्य की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है और शब्द की हमेशा व्युत्पत्ति होती है। तो अजात व्युत्पत्ति वाले, अर्थात ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति के बारे में हमें पता नहीं है, कहने का मेरा मतलब यह है कि उसकी प्रकृति क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, उसका मूल क्या है, इस व्युत्पत्ति से जिस शब्द का हम विच्छेद नहीं कर सकते, उसे हमें देशज शब्द के नाम से जानना चाहिए। ये परिभाषा जो है वो आचार्य हेमचंद्र जो रुद्रट जो है उन्होंने काव्य अलंकार में ऐसी परिभाषा दी। लेकिन यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए भाषा जो है वो अनुसंधान का विषय है, और भाषाई अनुसंधान इस सृष्टि में, या यूं कहूं कि अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं होगा। मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ ये जो कक्षाएं लेता हूं, मेरी विचारधारा ऐसी होती है कि हम एक जो बनी बनाई जो परिपाटी है, एक रटने की जो परिपाटी है, उससे बाहर आकर के सीखने की तरफ जाएं। ये सीखना ही आपको एक अच्छा शिक्षक बना सकता है, आपको अच्छा व्यक्ति बना सकता है, एक अच्छा भाषा का जानकार और एक अच्छा भाषा का प्रयोक्ता आपको बना सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यहां पर रुद्रट ने जो ये बात कही कि देशी शब्द या देश जात या मुल्की या वतनी या देशी या देशज शब्द किसे कहने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे शब्द जिनकी प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति जात नहीं की जा सकती, उन्हें हमें देशज शब्द कहना चाहिए। अब इनकी बात पर देखिए, ये उन्होंने जब बात कही, जिस संदर्भ में कही, जिस समय कही, आज से हजारों वर्ष पहले जो ये बात कही गई, वो उस संदर्भ में उस वक्त तक का अनुसंधान इतना ही था। लेकिन देशज शब्दों में भी हम जानते हैं कि अकड़ है, अड़ है। देखिए, एक शब्द है, एक प्रत्यय है अकड़, एक प्रत्यय है अड़, एक प्रत्यय है आका, तो ये प्रत्यय लगते हैं वहां पर। इसी प्रकार से एक 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 आटा प्रत्यय है, और एक प्रत्यय और ले सकते हो, जैसे यह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अकड़, अड़, आका, आटा और यल, इन प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं वो देशज शब्द ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उन्होंने ये बात कही थी कि प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति जात नहीं होती है, ऐसे शब्दों को हमें देशज शब्द कहना चाहिए, हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नवीन शोध और आजकल की हमारी जो दृष्टि हुई, उसमें हमने ये जान लिया कि भाई ऐसे शब्द जिसमें अकड़ प्रत्यय आ गया, अड़ प्रत्यय, आका प्रत्यय, आटा प्रत्यय, ईयल प्रत्यय आ गया, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, देशज होंगे, और भी प्रत्यय जिसके बारे में आगे बात करने वाला हूं।
जैसे मैंने कहा पियक्कड़ है, भुलक्कड़ है, घुमक्कड़ है, रुअक्कड़ है, ये सारे के सारे अक्कड़ प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं, साथियों ये देशज शब्द है। इसी के साथ में एक अड़ प्रत्यय है, जैसे मैंने कहा अंधड़ है, भुक्कड़ है, अंधड़ है, भुक्कड़ है, ये शब्द देशज है। अब यदि मैं रुद्रट की बात मान लूं और वहीं पर यदि मेरा हमारा अनुसंधान यदि समाप्त हो जाता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक सीढ़ी थी, उन्होंने ये कह दिया कि प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति जिनकी जात नहीं है, ऐसे शब्दों को हमें देशज शब्द कहना चाहिए, वो एक संदर्भ में ठीक था। लेकिन आगे हमने जब आया, हमने कहा आका। अब आका जो प्रत्यय, जैसे आका और आक प्रत्यय, जैसे धड़ाक है, धड़ाका है, धड़ाक है, चटाक है, पटाक है, धमाक है, धमाका है, पड़ाका है, ये सारे के सारे जब जिसमें आक और आका प्रत्यय, आटा प्रत्यय जिसमें जुड़ गया, जैसे खर्राटा है, भर्राटा है, तो ये आटा प्रत्यय से बने हुए शब्द है। ईयल प्रत्यय, अड़ियल है, सड़ियल है, मरियल है, तो ये अड़ियल, मरियल, सड़ियल, इनमें ईयल प्रत्यय है। तो इनकी जो ये कहा जा रहा है, मेरा उद्देश्य ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति जात नहीं है, लेकिन भाई यहां पर तो प्रत्यय आ रहा है तो व्युत्पत्ति तो जात हो रही है, तो और कौन से संदर्भ होते हैं जिनके माध्यम से हमें इनको जानना चाहिए। साथियों एक पुस्तक जिसका नाम है देशी नाममाला, देशी नाममाला, और उसके रचयिता जो है वो आचार्य हेमचंद्र है। आचार्य हेमचंद्र ने देशी नाममाला पुस्तक में ऐसे शब्दों का संग्रह किया, आप ध्यान से सुनिएगा। देशी नाममाला एक पुस्तक है आचार्य हेमचंद्र की, और उन्होंने इस पुस्तक में ऐसे शब्दों का संग्रह किया जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत की धातु से या किसी व्याकरण के नियम के अनुसार सिद्ध नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शब्द व्याकरण की पकड़ में नहीं आए, जो शब्द व्याकरण की पकड़ में नहीं आए, ऐसे शब्दों को हमें देशज शब्द कहना चाहिए। यदि मैंने आपसे यही प्रश्न कर लिया कि जो शब्द व्याकरण की पकड़ में नहीं आए उन्हें क्या कहना चाहिए, तो देशज शब्द कहना चाहिए, ऐसे हमें ध्यान रखना है। साथियों व्याकरण की पकड़ का मतलब क्या है, देशज जो शब्द है वो हम जानते हैं कि ये जन भाषा के शब्द हैं। वास्तव में ये जो देशी शब्द है वो जन भाषा में प्रचलित शब्द थे, और जन भाषा जो है व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती है, परंतु व्याकरण जो है उसको जन भाषा की जो प्रवृत्तियां हैं उनको विश्लेषण करना चाहिए, और व्याकरण ये काम करती है, जन भाषा की जो प्रवृत्तियां रही हैं उनका विश्लेषण करना व्याकरण का काम था। लेकिन व्याकरण की पकड़ में जो शब्द नहीं आए ऐसे शब्दों को हमने देशज शब्द कहा। आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो अपभ्रंश कवि आए उन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। ऐसे बहुत सारे अभी इसकी मैं इतिहास में यदि जाऊं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शब्द धीरे धीरे बदल गए। अब ये जो देशज जो शब्द थे साथियों इसको हमने दो भागों में विभाजित किया। हमारी पुस्तक जो है हिंदी व्याकरण माला डॉक्टर के आर महिया और डॉक्टर विमलेश शर्मा द्वारा रचित, इस पुस्तक में इन देशज शब्दों को एक दृष्टि देने के लिए विद्यार्थी समझ सके, सीख सके, और इसके लिए इन देशज शब्दों को दो भागों में विभाजित किया। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं अनुकरण वाचक देशज शब्द, और दूसरा अननुकरण वाचक देशज शब्द। साथियों अनुकरण वाचक का मतलब क्या है, इस वर्ग अनुकरण वाचक का मतलब यह है कि इस वर्ग के अधिकांश जो शब्द हैं वो ध्वन्यात्मक होते हैं। ये बात लिख लीजिएगा, इस वर्ग के अधिकांश जो शब्द है अनुकरण वो ध्वन्यात्मक होते हैं। ध्वन्यात्मक का मतलब क्या है, किसी पदार्थ अथवा किसी वस्तु की कल्पित अथवा वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर के जो शब्दों का निर्माण किया गया उन्हें हम अनुकरण वाचक देशज शब्द कहते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, मैंने एक शब्द लिखा है गड़गड़ाना। देखिए गड़गड़ की जो आवाज है उससे गड़गड़ाना होता है, तो गड़गड़ाना है, बिलबिलाना है, चहचहाना है, मिमियाना है, धमधमाना है, सटसटाना है, खटखटाना है, चहचहाना है, रिरियाना है, कलकलाना है, भिनभिनाना है, मिमियाना बकरी मिमिया की हम जानते हैं, रेंकना है, चहचहाना चिड़िया चहचहाती है, इसी प्रकार कड़कड़ाना बिजली जो है वो कड़कड़ करती है, छनछनाना चिंगाड़ना गुगुआना उल्लू जो है वो गुगुआना इस प्रकार का शब्द करता है, केकना खनकना चूड़ी खनकती है ऐसे ध्यान रखना है, चटचटाना चीता जो है वो चटचट करती है इसलिए चटचटाना, कोंदना बलबलाना ऊंट बलबलाता है, फड़फड़ाना कपड़ा या पक्षी जो है वो फड़फड़ाते हैं, इस प्रकार के जो शब्द है वो अनुकरण वाचक है।
इसके साथ ही आप ध्यान रखना, मेरी मैं जो शब्द बोल रहा हूं इन शब्दों को आप लोगों को संग्रह करना है। जैसे धम धम, अब ये धम धम जो शब्द है ये अनुकरणवाचक है, ये धम धम जो शब्द आ रहा है ये अनुकरण से बना है। तो धम धमाना, धम धम, धम धमाना, कट कट, कट कटाना, तो इस तरह के जो जितने भी शब्द है, धड़ धड़ से धड़धड़ाना बनता है, सट सट, सट सटाना बनता है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अनुकरण वाचक देश शब्द हैं जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु की ध्वनि को आधार बना करके निर्मित किए। देश शब्द का मतलब ये हुआ कि जो हमारी परंपराओं से आए हुए शब्द हैं, जो हिंदी की तत्सम और तद्भव शब्दावली से जो भिन्न शब्द हैं उन शब्दों को हमने देश शब्द कहा। एक बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा कि अंचल विशेष, प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से लिए गए जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उन्हें हमें देशज कहना चाहिए। साथियों एक और बात विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके देशज शब्द जो हैं इनके लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते, इनके जो है लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो देशज शब्दों में हमने जो पहला पार्ट लिया वो अनुकरणवाचक है, उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया। जितने भी पदार्थ और वस्तु की ध्वनि को आधार बना करके जो शब्द गढ़े गए उनको हमें अनुकरणवाचक शब्द कहना चाहिए। और उसके बाद में दूसरे प्रकार के जो शब्द आए उनको हमने बोला अनुकरणवाचक, अर्थात जिनमें अनुकरण नहीं किया गया। देखिए जूता शब्द है, अब ये जूता जो शब्द है वो हमारी परंपराओं से आया हुआ है, देश शब्द है। इसी प्रकार एक और पहचान है देश शब्दों की, आप ध्यान रखना, ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी के किसी भी तत्सम शब्द में ळ ध्वनि का प्रयोग नहीं होता, तद्भव शब्दों में जरूर होता है, लेकिन वस्तुतः ळ जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ळ जो है वो हिंदी की जो देशज शब्द संपदा है उसका स्वयं का विकसित वर्ण है। इस बात को मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो जिस शब्द में ळ की ध्वनि सुनाई दे रही है, देखिए मैं आपको बताया है मैंने कि ये ड है, ये अंग है और ये क्या है, ड है। तो ऐसे सारे के सारे शब्द जिसमें ड ध्वनि आती है वो सारे के सारे शब्द देशज शब्द हैं। देखिए जैसे मैंने कहा जूता है, अब लकड़ी, अब आप पहचान सकते हो कि इसमें ड आ रहा है। इसी प्रकार खिड़की, तो लकड़ी है, खिड़की है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कुछ साथी और शिक्षक साथी भी ट्रिक्स के माध्यम से बात करते हैं, ये ट्रिक्स इनमें नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको कभी गलत गाइड नहीं करूंगा, मार्गदर्शन करता हूं और उस मार्गदर्शन में कोई गलती किसी प्रकार की या गलत गाइड मैं आपको नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर कोई ट्रिक काम आने वाली नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ड एक शब्द आया, एक वर्ण आया, ड वर्ण वाले जो शब्द है वो देश शब्द आप मान सकते हो। तो लकड़ी है, खिड़की है, पगड़ी है, देखो इसमें ड आ रहा है, पगड़ी। अब पगड़ी कह दो या पाग कह दो, पगड़ी है। इसी प्रकार झोंपड़ी शब्द आप लोग लिख लीजिएगा, झोंपड़ी शब्द, ये ऐसा ही परीक्षा 2018 में पूछा गया था, झोंपड़ी शब्द है, पगड़ी है, पाग है, ड़ी आ रहा है, इसका मतलब ड वर्ण वाले जो शब्द है वो देश शब्द है। तो पाग है, पगड़ी है, झोंपड़ी है, अक्खड़ है, अक्खड़ के चलता है, पगड़ी जो है वो राजस्थानी एक परिधान है जो सिर पर पहना जाता है। अब इसी प्रकार अक्खड़, अक्खड़ का मतलब क्या है, अखड़, अखड़ के चलना, अर्थात जो है किसी और किसी भाव में चलना, अखड़ना। गुदड़ी, गुदड़ी के लाल, ये गुदड़ी शब्द है। गाड़ी, अब ये सारे के सारे जो शब्द है साथियों ये किसी न किसी साहित्यकार, एक बात आपको और जाननी चाहिए कि किसी न किसी हिंदी के साहित्यकार ने अपनी रचना में, चाहे वो गद्य रचना हो, चाहे वो पद्य रचना हो, चाहे वो कथा साहित्य हो, चाहे उपन्यास हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो या जीवनी हो, उन अपनी रचनाओं में इन शब्दों को कहीं ना कहीं स्थान दिया है, इसलिए देश शब्द है। आप यह भी ध्यान रखें इस संसार में यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में कितनी भाषाएं व्यवहृत होती है, कितनी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी को छोड़कर के जो अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो अंचल विशेष की भाषाएं हैं, तो अंचल विशेष में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अभी हिंदी में मान्य नहीं है। मैं एक शब्द उदाहरण देता हूं आपको, खिचड़ी। अब ये खिचड़ी शब्द जो है आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाइएगा हिंदी भाषी व्यक्ति खिचड़ी शब्द को समझ जाएगा कि खिचड़ी एक व्यंजन है जिसको खाया जाता है, लेकिन खिचड़ा शब्द राजस्थान विशेष का है, पंजाब और राजस्थान में खिचड़ा शब्द होता है। तो खिचड़ा शब्द जो है, खिचड़ी तो चलती है लेकिन खिचड़ा शब्द का प्रयोग नहीं है।
तो उसे हमें देशज मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसकी सम्मति कहीं ना कहीं जो देशीय भाषाओं के शब्द थे और उसकी सम्मति किसी साहित्यकार ने अपनी पुस्तक में कर दी है, उन्हीं शब्दों को हमें देशज शब्द मानना चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। तो साथियों, गाड़ी गाड़ी शब्द है, जैसे रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेल जो है इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी देशज शब्द है, दो भिन्न भिन्न भाषाएं हो गई, भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बना वो संकर शब्द हो गया, आगे बात करेंगे। तो खिचड़ी शब्द है, चील गाड़ी। अब चील गाड़ी जो शब्द है हवाई जहाज के लिए प्रयुक्त होता है, वस्तु तो ये क्षेत्र विशेष का शब्द है। हम जानते हैं चील जो है एक एक बड़ा विशालकाय जो है पक्षी होता है और वो आकाश में उड़ता है पंख फैला करके। अब उनके साम्य के कारण जो आकाश में उड़ने वाला जो यान है जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं उसको हमने चील गाड़ी कह दिया, तो चील गाड़ी शब्द हो गया। इसी प्रकार चिड़चिड़ा, र र की ध्वनि आ रही है, चुड़ैल, झगड़ा, झिड़क, रेवड़ जो राजस्थानी शब्द है वस्तुतः ये, और पश्चिम राजस्थान में जो भेड़ों का जो समूह होता है उसको रेवड़ कहते हैं। हड़बड़, कबड्डी, पड़ोसी। अब देखो पड़ोसी शब्द पर हमें विचार करना चाहिए। पड़ोसी शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है परिवेशी, और परिवेशी शब्द से पड़ोसी शब्द की उत्पत्ति कुछ विद्वान मानते हैं। तो फिर मैंने यहां पर ये परिवेशी तत्सम हो गया, पड़ोसी क्या हो गया, तद्भव हो गया, तो मैंने यहां पर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो कुछ मानक पुस्तकें हैं एनसीईआरटी इत्यादि या राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें पड़ोसी शब्द को सम्मिलित कर लिया गया। वस्तुतः तो परिवेशी शब्द जो था वो संस्कृत का था और परिवेशी से पड़ोसी, पड़ोसी शब्द का निर्माण हुआ, ऐसा हमें जानना चाहिए। लेकिन अब एग्जामिनर को पड़ोसी शब्द जब पूछ रहा है तो या तो तत्सम पूछे या देशज या विदेशज, इस प्रकार से पूछना चाहिए। तो साथियों पड़ोसी हो गया। इसी प्रकार कौड़ी शब्द है, कौड़ी, कौड़ी शब्द जो है वो देशज शब्द है, एक विशेष देश में प्रयुक्त हुआ। चूड़ी शब्द है, चूड़ी शब्द है, इसी बिगाड़ होना भाववाचक शब्द है, ध्यान रखना। भीड़ भाववाचक शब्द है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है ये, वैसे भीड़ जो है भाववाचक नहीं है। हड़ताल शब्द जो है उसको कुछ लोग जो है वैदेशिक शब्द, विदेशज शब्द भी मानते हैं, लेकिन यहां पर प्रामाणिक पुस्तकों में हड़ताल को देशज शब्द के रूप में सम्मिलित कर लिया गया, इसलिए यहां पर लिख दिया। साथियों इसी प्रकार धड़ाक शब्द है, रगड़ शब्द है, खड़ाऊ जो जूतियां जो होती है उसके लिए खड़ाऊ शब्द का प्रयोग होता है। अल्लम गल्लम, अल्लम गल्लम जो है ये किसी देश विशेष का शब्द है। घोंघा, घोंसला जो पक्षी बनाते हैं वो घोंसला है। घमंड, अहंकार तो संस्कृत का शब्द था लेकिन घमंड जो है वो देशज है। खुरदरा, खुर्राट, मैंने अभी आपको यहां पर आटा खुर्राटा खुर्राट, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। खूंटी, खोखला, चकमा, चुनरी, चूहल, चुस्की, छकड़ा, छकड़ा, छकड़ी, इस तरह के जो है छोरा छोरी जो है, छाती, झंझट, झोला झोला, झाड़ झंखाड़, मोस्ट करना, इसको कई बार ये पूछा जाता है, झाड़ झंखाड़। जरोखा, जरोखा जो है खिड़की के लिए प्रयुक्त होता है। झाड़ू, झाड़ू शब्द जो है झाड़ में कुप्रत्यय, अब यहां पर देखो प्रत्यय है तो ये प्रकृति प्रत्यय मूला व्युत्पत्ति जात नहीं है, ये बात एक एक देश विशेष में एक संदर्भ विशेष में ठीक है लेकिन हम इसकी जो है व्याकरणात्मक दृष्टि से देखें तो कुप्रत्यय है। झुमका, इसी प्रकार से झरझर, झरझर, झलझल, झिल मिलाना, ये सारे के सारे जो शब्द है वो आपको देश शब्द मानना चाहिए। तान, तेसु, थर्रा, ठेठ, ठूंसना, ताला, तेंदुआ, मोस्ट करो, कई बार पूछा गया है तेंदुआ। पेट शब्द है, पेट, फटफटिया, अब फटफट की आवाज आई और फटफट की आवाज करने वाले को फटफटिया कह दिया गया। इसी प्रकार बक बक, बीहड़, जंगल को कहते हैं। बोरी जो धान इत्यादि जिसमें पूर्ति की जाती है। बाप, बेटा, बछिया, बेटा, बाजरा, महत्वपूर्ण कीजिएगा। देखिए बाजरा जो शब्द है वो देशज शब्द है और अनार शब्द जो है वो फारसी का है। टमाटर भले ही जो है हमें लगता है कि हमारे यहां पर है लेकिन टमाटर विदेशज शब्द है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सरसों शब्द है, सरसों शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो संस्कृत के सरसव से सरसों बना है लेकिन कदाचित ऐसा हो सकता है कि संस्कृतकालीन भारत जो था उसमें बाजरा जो शब्द था वो या बाजरा की जो फसल थी वो कदाचित नहीं होती होगी इसलिए उसके लिए शब्द नहीं मिलता। भाड़, भाड़ शब्द, भाड़ जानते हैं, भड़ भूंजा एक शब्द है। भिंडी, भिंडी जो शब्द है वो हमारा है लेकिन गोभी शब्द पुर्तगाली है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। भूत, भौचक्का, मांग, शेर की मांग, नेड़े, ये राजस्थानी का पूरा राजस्थानी का शब्द है लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग होने लग गया। इसी प्रकार पेड़, पिल्ला, बजारू,
बाजार हमारा नहीं है, बाजारू हमारा, ये ध्यान रखना है आपको। बासन बर्तन को कहते हैं, लकुटी लाठी को कहते हैं, लकटू लकुटी अरुकमरिया। इसी प्रकार रोड़ा अटकाना, रोड़ा रा आया, लहू लहू शब्द, लथपथ सिलवट सिट्टी पिट्टी हक्का बक्का हेकड़ी और हड़बड़। ये जो शब्द थे साथियों, ये देश शब्द थे, हमें इस प्रकार से इन चीजों को जानना चाहिए। अब मैंने यहां पर आपको ये बताया कि देश शब्द जो है वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो अनुकरणवाचक, जो किसी ध्वनि पदार्थ या वस्तु की ध्वनि को आधार बना करके जो शब्द निर्मित हुए वो अनुकरणवाचक है, और जो सीधे ही कहीं से आगे जिनकी व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं लेकिन आम तौर पर व्याकरण के जो बंधन में नहीं आए या व्याकरण की पकड़ में नहीं आए उसके बाद में हमने, देखो मैं एक शब्द बताता हूं, जैसे पड़ोसी शब्द है। अब पड़ोसी शब्द में पड़ोस में ई प्रत्यय है तो पड़ोसी बना, तो हमें बिल्कुल ये तो नहीं कहना चाहिए कि इसकी व्युत्पत्ति हम नहीं बता सकते। भाई पड़ोसी शब्द यदि मुझे कोई पूछे कैसे बना है तो मैं कहूंगा पड़ोस में ई प्रत्यय जुड़ा है। बहुत सारे शब्द है, जैसे मैंने कहा गड़गड़ाना कौन सा प्रत्यय, गड़गड़ और आना प्रत्यय है। इसी प्रकार चहचाना आना प्रत्यय है। लकड़ी लकड़ा शब्द था, लकड़ा से ई जुड़ा लकड़ी बना। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहने में हम ये कह रहे हैं कि ये इनकी व्युत्पत्ति नहीं बताई जा सकती लेकिन और भी ये शोध का विषय है। अभी मेरा ये जो व्याख्यान है ये परीक्षार्थियों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए मैं इसकी बहुत गहराई में नहीं जा रहा, इस पे और चिंतन मनन की आवश्यकता है। बहुत सारे शब्द हैं जिनका संदर्भ मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले, एक इसको आप फुल स्क्रीन पे देखो तो आपको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा। साथियों बहुत सारे शब्द हैं जो न जाने उसकी उत्पत्ति किस रूप में थी लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते वो आज हमारे सामने किसी और रूप में आ गए, ऐसे शब्दों को हमें देश शब्द कहना चाहिए। देखिए एक में इसके बाद में आगे के जो शब्द होंगे उसको हम बोलेंगे विदेश शब्द। विदेश देश का उल्टा विदेश होता है और ज इसके लग गया, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे इस देश में जो देशीय भाषाएं जो थी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो थी उनमें न होकर के जो बाहरी भाषाएं थी, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो पश्तो हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो फ्रांसिस हो, चाहे वो सीरियन हो, स्पेनिश हो, इस प्रकार की जो भाषाएं थी, इन भाषाओं के शब्द आज हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे विदेशज शब्दों की संख्या भाषा विज्ञानियों के अनुसार लगभग हमारी हिंदी भाषा में 6000 शब्द हैं आज, जिनका हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और उनकी जो व्युत्पत्ति जो है वो हमारे यहां पर नहीं ढूंढी जा सकती। तो साथियों ऐसे विदेश शब्द, अब विदेश शब्द आए कैसे? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमारी यहां संस्कृति, भारत की जो भूमि है, ये आक्रांताओं ने यहां पर बहुत बार आक्रमण किए, कोई व्यापार करने के लिए आए। अब पुर्तगाली में आप जानते हैं 1497 में वास्को डी गामा आए और गोवा के आसपास के शुरुआत में जो भी लक्ष्य होगा, लेकिन वो जब उनका यहां पर बस्तियां हुई, अब वो लोग जब भारतीयों के साथ रहे तो उन्होंने व्यापार ही नहीं किया अपितु अपनी भाषा अपनी संस्कृति और अपने शब्द यहां पर छोड़ के चले गए। और सबसे ज्यादा जो शब्द आज हमारी हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं विदेश शब्दों में इंग्लिश के, हालांकि अरबी और फारसी का तो जैसे दारा शिकोह आप जानते हो, उन्होंने बिल्कुल जो है कोर्स तैयार कराया था फारसी का। यहां पर फारसी भाषा जो है रेखता, हिंदी के लिए रेखता नाम भी आ गया, उर्दू नाम भी, हिंदुस्तानी भी, कई सारे नाम इसके दिए गए। उस पृष्ठभूमि में हम नहीं जाए लेकिन इंग्लिश के शब्द भी, अंग्रेज जब आए और अंग्रेजों ने आकर के जब भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया तो न केवल यहां के स्थानीय भाषाओं का सर्वाधिक जो नुकसान जो हुआ वो अंग्रेजी आने के कारण हुआ, और अंग्रेजों ने उस भाषाई जो नीति के कारण जो हमारी स्थानीय जो भाषाएं थी उनको यदि हमें ये कहना चाहिए कि एक तरह से कुचल दिया, दबा दिया। आज यदि मैं आपसे पूछता हूं, आज भारत का हर बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय कितने लोग जाते हैं? हमें पिछली बार चिकित्सालय गए हुए बहुत समय हो गया होगा, हॉस्पिटल हम करीबन करीबन रोज चले जाते हैं। साथियों हम हर व्यक्ति जो है अपने ऑफिस जाता है, कार्यालय में जाने वाले लोगों की बहुत कमी है। हम आजकल यूनिवर्सिटी जाने लग गए लेकिन विश्वविद्यालय पिछली बार कब गए थे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग चिंतन कीजिएगा।
हम हमारी जबान पर इस प्रकार के शब्द आ गए। अब जबान शब्द मैंने बोला, जबान शब्द तो हमारा नहीं है। अब देखिएगा, ये जो है इसके लिए संस्कृत का शब्द था उपनेत्र। आप में से कितने लोग हैं जो इसको उपनेत्र कहते हैं? आज हर व्यक्ति चश्मा पहनता है, उपनेत्र नहीं। हर व्यक्ति लॉन में घूमने जाता है, उपवन में कोई नहीं जाता। उद्यान हम भुला चुके हैं। मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि अपने घर का जहां पर भोजन बनाने का जो स्थान है वो रसोई है। आप लोग रसोई में जाया करें, आप किचन में नहीं जाएं। जब से हमने किचन में जाना शुरू किया है, किचन जो है वो किचकिच का स्थान बन गया है। भाषा, देखो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि हमने अभी अभी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, हमें भाषा को पूरी सम्मान के साथ, इस संसार में कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जितना मैं जानता हूं जो पूरी तरह से विशुद्ध हो, ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। संस्कृत में भी कुछ शब्द थे, जैसे ग्रीक का एक शब्द था द्रख्मे, ग्रीक भाषा में एक शब्द था द्रख्मे, द्रख्मे को इस तरह से वहां पर लिखते थे द्रख्मे। अब ये जो द्रख्मे जो शब्द था वो संस्कृत में आते आते धीरे धीरे द्रम्य शब्द हो गया, द्रम्य, द्रम्य, और इसकी व्युत्पत्ति जो है वो ग्रीक से ही, वामन शिवराम आपके कहते हैं कि मूलतः ये ग्रीक का शब्द था, कौन सा, द्रख्मे, और द्रख्मे इस प्रकार से लिखा जाता था। ये द्रख्मे धीरे धीरे क्या हो गया, द्रम्य हो गया, और द्रम्य किसमें, संस्कृत में, और द्रम्य फिर धीरे धीरे क्या होगा, दम्मा शब्द बना, और दम्मा से हिंदी में आते आते ये दाम शब्द हो गया। तो द्रख्मे शब्द था, अब ये ग्रीक से चला शब्द यहां पर आते आते हिंदी तक की यात्रा करी, तो अब द्रख्मे नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, दाम हो गया। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। साथियों, ईरानी में मध्य फारसी जो भाषाई रूप है उसमें एक शब्द चलता है मोचक। मोचक का मतलब है मोचक, घुटनों तक का जूता। मोचक जो शब्द है ईरानी में, फारसी जो मध्य फारसी है उसका मोचक शब्द है मोचक। अब ये मोचक जो शब्द है ये वास्तव में ईरानी से आया हुआ, मध्य फारसी जिसको हम कहते हैं उसका आया हुआ शब्द था मोचक, और घुटनों तक के जो जूते थे उसको हमने क्या कहा, घुटनों तक के जो जूते थे वो जो है उसे मोचक कहा जाता था। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी भाषाई किसी शब्द की आप मीमांसा करते हो तब मैं शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि हम देखिए मनुष्य हैं, इस मनुष्य जो मनुष्य का जो ज्ञान है वो सीमित है, इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब मोचक शब्द को आप सीधा देखो और बोल दो संस्कृत का है, भाई मोचक है, मोचक शब्द है, मोदक शब्द है, ये सारे संस्कृत के शब्द है, रोचक शब्द है, सारे संस्कृत के शब्द है, तो उस ध्वनि साम्य पर मोचक शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होता है, लेकिन घुटनों तक जूते के लिए प्रयुक्त नहीं होता। मोचक शब्द जो है संस्कृत में मुच धातु के साथ में जब नूल प्रत्यय जुड़ता है तब मोचक बनता है, और हिंदी में मुच के साथ में जब अक जुड़ता है तब मोचक शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है छुटकारा दिलाने वाला। आपको इन बातों को बहुत ध्यान से समझना और सुनना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा, अब ये जो मोचक शब्द हुआ ये वस्तुतः कहां था, मैंने अभी बताया आपको कि ईरानी में मध्य फारसी में मोचक शब्द जो घुटनों तक जूते के लिए प्रयुक्त हुआ, हमारी संस्कृत का जो मोचक जो शब्द था वो किसी और रूप में प्रयुक्त हुआ। अब ये जो मोचक जो शब्द था इसी से फिर मोची का बना, और इसी से फिर मोचड़ी शब्द बना। अब ये मोचड़ी शब्द बहुत प्रचलन में है, और इसी से मोचक ही धीरे धीरे चाका जा होकर के मोजा बना। ये शब्द की यात्रा है, लेकिन ये संस्कृत वाले मोचक से भिन्न है। एक बात और ध्यान रखिएगा, सीरिया देश में जो सीरियन भाषा है उसमें एक शब्द है सिक्त, SYKT, सिक्त। ये जो सिक्त शब्द है ये संस्कृत में भी सिक्त है, सिंचा हुआ, लेकिन यहां पर जो सिक्त है सीरियन भाषा में उस सिक्त का कुछ अलग अर्थ है, और ये सिक्त जो था हमारी हिंदी में आते आते क्या बन गया, बोलो, सिक्का बन गया। तो भाषा में किसी शब्द ने यात्रा कैसे करी वो बात जो है ध्यान रखने की है। हम सभी जानते हैं कि मिश्र का प्राचीन नाम जो है वो मुद्रा था, मिश्र देश का प्राचीन नाम मुद्रा था। अब संस्कृत में ये मुद्रा मुद्रा ही रह गया, लेकिन अर्थ बदल गया, अब वो देश का वाचक नहीं है। मुद्रा यहां जो रुपए पैसे जो है उसके लिए मुद्रा शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में इसी मुद्रा शब्द से मुंद्री शब्द बन गया, मुंद्री अंगूठी को बोलते हैं। तो ये कहां से कहां शब्द आया, मिश्र से शुरू हुआ मुद्रा हिंदी में आते आते मुंद्री बन गया, ये शब्द की यात्रा है। शब्द का हमें, इसलिए मैं कहता हूं शब्द का हमें सम्मान करना चाहिए।
हजारों हजारों वर्षों की यात्रा करके एक शब्द हमारे पास आता है, उस शब्द की क्या व्युत्पत्ति थी। दूसरी बात मैं और आपको कह रहा हूं कि आने वाले 500 वर्ष बाद में ऐसे समझ में आएगा कि हां इस शब्द की यह व्युत्पत्ति है, उसका सोर्स वहां पर था। अधुना तक आज तक जितने भी अनुसंधान हुए उन अनुसंधानों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह शब्द उन विदेशज हैं और ये देशज हैं। लेकिन कहते हैं मित्रों, हर चार कोस में जो है वाणी बदल जाती है, हर दो कोस में पानी बदल जाता है। तो इतनी इतना बड़ा हमारा ये संसार, विशालकाय जो संसार, जो विश्व है, उसमें न जाने कितनी कितनी भाषाएं व्यवहृत होती है और वो धीरे धीरे किस प्रकार जो है जनमानस में आती हुई जनभाषा और भाषा की जिह्वा पर जब चढ़ती है तब वो अपना स्वरूप जो है बदल लेती है। हमें इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विदेशी शब्दों की बात करेंगे, विदेशी शब्दों में पहली जो भाषा होगी वो अरबी भाषा की बात करेंगे। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, देखिए संस्कृत का एक शब्द था चटका, और चटका शब्द से हमने शब्द क्या बना, चिड़िया, चिड़िया बना लिया हिंदी में। अब आपसे कोई पूछे कि चिड़िया किसका है तो हमें कहना चाहिए कि हिंदी का शब्द है। लेकिन साथियों, यदि हम थोड़ी हमारी दृष्टि को और विस्तार की तरफ लेके जाते हैं तो भाषा विज्ञानियों ने इस शब्द को खोज निकाला डच भाषा में। डच भाषा में भी जो चटका है उसके लिए चिड़िया शब्द का प्रयोग होता है। परीक्षक को इस प्रकार के जो प्रश्न जब करते हैं तो उस वक्त उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहां पर किसी जो है आपको कोई संकेत नहीं कर सकता, मेरी वाणी की सीमा है। लेकिन ये इस प्रकार के जो प्रकरण है इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक को और अतिरिक्त जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए वो एक शब्द नहीं है, वो एक नंबर है, वो उसके जीवन जिंदगी का प्रश्न है। तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा, विदेशी शब्दों में हम सबसे पहले बात करेंगे अरबी भाषा के शब्द। साथियों, अरबी और फारसी में बहुत सारे जो शब्द हैं वो अरबी और फारसी एक तरह से, बहुत सारे शब्द अरबी में भी वही प्रयुक्त होते हैं, फारसी में भी वही प्रयुक्त होते हैं, अरब से फारसी की तरफ वो जो है आगे जाते हैं। जैसे एक बात बताता हूं, औरत शब्द है, औरत शब्द जो है, अब यहां अरबी भाषा का शब्द है औरत, और आदमी जो शब्द है वो फारसी का है, क्योंकि आदम से आदमी बना है। औरत महिला, हमारा शब्द महिला था। अब यहां पर महिला शब्द को भी कुछ लोग देशज शब्द बता देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इलच प्रत्यय है, संस्कृत का शब्द है। हमने जानते हैं कि जो केवल यही जानते हैं कि संस्कृत में महिला के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग होता है वो ठीक नहीं है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए शब्द का कहां से उस विस्तार हुआ, उत्पत्ति व्युत्पत्ति उसकी क्या है। तो साथियों, औरत जो शब्द है वो अरबी का है, आदमी शब्द फारसी का है, लेकिन फारसी भाषा में भी औरत शब्द को अपने कोश में स्थान दे दिया, इसलिए हमें अरबी का भी उसे मानना चाहिए और फारसी का भी मानना चाहिए। कई बार परीक्षक केवल इस प्रकार का प्रश्न करता है कि किस विकल्प में सभी शब्द विदेशज मूल के हैं, तो वो प्रश्न ठीक है। कई बार प्रश्न करते हैं किस विकल्प में देशज शब्द है, किस विकल्प में विदेशज शब्द है, लेकिन कई बार आपसे क्या करते हैं, आपसे वो कहेगा कि सिलसिला किस भाषा का शब्द है। अब ये बड़ा कठिन विषय है और इस प्रकार के प्रश्न आने लग गए। हम सुबह उठते ही जो चाय पीते हैं वो चाय हमारा शब्द तो नहीं है ना। अब देखिएगा, पटाखा शब्द की बात करूं तो ये पुर्तगाली भाषा का है, पश्तो भाषा में, पुर्तगाली का नहीं, पश्तो भाषा का, और पटाखा शब्द चीनी भाषा में भी है, और पटाखा को कुछ पुस्तकों ने देश शब्द भी मान लिया है। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं कि हमें किस प्रकार की सामग्री पढ़नी चाहिए, ये ही महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थी के जीवन में। मुझे नहीं पता, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार का संदेश करते हैं कि हमें हिंदी की सेवा करनी है, तो साथियों मेरा एक दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का जो सम्मान है ये वास्तव में थोड़ा सा जो है जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है, और लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत कुछ देना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये मेरी जो कक्षाएं हैं ये उस विद्यार्थी के लिए नहीं है जो फेल होना चाहता है, ये उस विद्यार्थी के लिए जो पास होना चाहता है, ये उस विद्यार्थी के लिए है जो हिंदी को सीखना चाहता है, जो शब्द को सुरक्षित करना चाहता है, शब्द को रक्षित करना चाहता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरी कक्षाएं हैं। चलिए साथियों, मैं बात करता हूं अरबी शब्द। पहला शब्द है कानून। पहली बात तो यह है कि अरबी और फारसी के कुछ शब्द ऐसे हैं, देखिए फारसी में फ के नीचे नुक्ता आता है, ये जो फ के नीचे जो लगा है ये नुक्ता है। साथियों आपको ध्यान रखना चाहिए,
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि हिंदी के हिंदी का बड़ा एक तरह से आरंभिक विद्वान है, हिंदी व्याकरण की जब बात आती है तब, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ऐसा कहा कि भाई ऐसे शब्द जो हमारे यहां पर भी प्रचलित है और अरबी और फारसी भाषा में प्रचलित है, ऐसे शब्दों के साथ में हमें जो है नुक्ते का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन कौन से वर्ण है? पांच वर्ण है जिनके साथ नुक्ता लगता है, क ख ज और फ, क ख ग ज और फ। इनका उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये पांच शब्द है जिनके साथ नुक्ता लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? मैंने आपको कई बार ये बताया, मैं बहुत सारे शब्द ऐसे, लेकिन जैसे मैंने एक शब्द बोला जरा और एक बोला जरा, साथियों ये जरा जो है वो बुढ़ापा, बूढ़ा अवस्था के लिए, बुढ़ापा के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन ये जरा जो है वो अव्यय है फारसी का और इसका अर्थ होता है थोड़ा। तो नुक्ता नहीं लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। अरबी भाषा का पहला शब्द मैंने अभी कानून लिखा है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कानून को ऐसे लिखते हैं? हम सभी लोग कानून को इस प्रकार से लिखते हैं, और ये शब्द युग्म में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। ये जो कानून है वो नियम है, ये विधि है, ये सांविधानिक टर्म है कानून। आजकल हम विधि शब्द को, विधि शब्द था, विधि शब्द के लिए हमने कानून शब्द का प्रयोग कर लिया। और ये जो कानून जो शब्द है, आप यदि इसा ऐसा लिख रहे हो तो इसका अर्थ चुल्ला होता है। ये कानून जो है वो नियमों वाला है, ये जो है विधि वाला कानून है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो साथियों कानून और कानून, अब यहां पर देखो छोटी सी बात है, मैं अनुरोध करता हूं मेरे विद्यार्थियों से कि जो हमारा युवा वर्ग है वो इन बातों को सीखे, शब्दों की रक्षा करना, शब्दों का महत्व और शब्दों को शुद्ध लिखना, और जितना संभव हो सकता है उतना उच्चारण पर ध्यान देना हरेक अभ्यर्थी का, हरेक शिक्षक का ये दायित्व है, क्योंकि इसकी रक्षा यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। अरे भाई कानून में तो क के नीचे, वस्तुतः ये अरबी का शब्द कानून शब्द होता है, ये कानून है, ये कानून है, चलो बोलने में हम कानून बोल देते हैं, वस्तुतः कानून है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से साथियों कत्ल, तो कानून कत्ल कफन, देखो एक तो हमारा ये फ है, जैसे मैंने कहा फन, ये सर्फ वाला जो फन है, लेकिन मैंने कहा कि वो हर फन में बोला है, तो मेरे मुख की तरफ ध्यान दे, एक शब्द में बोलता हूं फन, एक शब्द है फन, तो फ और फ इन दोनों के उच्चारण में मूलतः भेद है। दोनों शब्द एक ही तरह से है, लेकिन इसमें जब नुक्ता लग गया तो ये हुनर कौशल के लिए फन शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन ये फन है, सर्प जो है फन नहीं, फन फैला के बैठा है, और वो हर फन में माहिर है, हर फन फ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कत्ल कफन, फ कफन, तो इसको कफन नहीं बोलना है, कफन नहीं बोलना है, इसको कफन, ये कफन है, और फ के नीचे नुक्ता आता है, कदम कदम कदम, इस प्रकार से क में क क, ये हमारा क है, तो कदम, कबीर कबीर जो शब्द है वो अरबी का शब्द है, कबीर, कबूल कब्ज, अब ये एक तो हमारा ज है और ये जहां पर नुक्ता लग जाता है वो ज होता है, कब्ज, तो कब्ज इस प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए, कमर कमर नहीं बोलना है, कमर इस प्रकार से बोलना है, कब्र कमीज, ये जो कमीज जो शब्द है ये पश्तो भाषा में भी आता है लेकिन अरबी भाषा में प्रचलन में है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो परस्पर भाषाओं में साम्य रखते हैं। परीक्षक को इस प्रकार के शब्दों में या तो इतना पूछना चाहिए कि कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा देशी शब्द है, यदि वो किसी विशेष शब्द को देखकर के भाषा विशेष के संदर्भ में पूछ रहा है तो फिर उनकी दृष्टि इधर उधर दौड़ा लेनी चाहिए, क्या यह शब्द किसी और भाषा में तो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसी प्रकार कमी शब्द है, करीब, देखो ये एक होता है करीब, एक होता है करीब करीब करीब, कलम, अब देखिएगा कलमेन लिखति, संस्कृत में आता है बालकः कलमेन लिखति, तो कलम जो शब्द है वो संस्कृत का भी है लेकिन अरबी में कलम कलम, ये कलम कौन सा है, जो कलम अर्थात वो पौधे की जो कलम की जाती है वो कलम है, ये लिखने वाला जो कलम है वो संस्कृत का है, तो यदि आपने ऐसे लिखा कलम तो ये तो गलत हो गया ना, आम की कलम, अरे कलम नहीं कलम, ये कलम जो शब्द है जो लेखनी के लिए प्रयुक्त होता है ये तो संस्कृत का शब्द है, बाल कह कलमे ने लिखती, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कलम, कसई कसूर,
क के नीचे देखो बिंदु आएगा, इसको आप फुल स्क्रीन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। किताब शब्द, किताब जो शब्द है वो अरबी का है। पुस्तक शब्द को संस्कृत में मान लिया जाता है, लेकिन पुस्तक शब्द जो है वो पुस्त से बना है और उसमें कन प्रत्यय करके फिर संस्कृत में इसकी उत्पत्ति, इस प्रकार से व्युत्पत्ति हमने कर ली। खैर जो भी हो, लेकिन किताब जो शब्द है, किताब है, खिताब है, किस्मत, ये अरबी के शब्द है। कुरसी, अब ये देखो कुरसी हमारे यहां पर यदि संस्कृत में बोलते हैं तो कुरसी, जो कुरस वाला है, बुरे रस वाला है, वो कुरसी है और संस्कृत में प्रयुक्त होता है। लेकिन ये कुर्सी जिसमें बैठते हैं वो कुरसी है। कुर्सी शब्द को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, कुर्सी इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन मूलतः जो शब्दकोश है उसमें कुरसी इस प्रकार से शब्द होता है। कुरान, कुरान शब्द अरबी भाषा का है। खबर, आजकल समाचार सुनना हमने बंद कर दिया है, हर घर में खबर चल रही है तो ये खबर है। ख, ख के नीचे बिंदु है, नुक्ता है, वो खबर शब्द हुआ। इसी प्रकार से ख्याल, खसरा, खातिर, उसकी खातिर मैं यहां आया तो ख, ख, खादिम, खास, ये खास नहीं, खास है। किताब, आप प्रति वाले जो शब्द है वो अरबी के हैं, आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से गम, ये गम है, गम नहीं है, गम जो दुख है। गरीब, महत्वपूर्ण करो, गरीब है, करीब है, कबीर है, ये सारे देखो, गरीब है, करीब है, कबीर है, इस प्रकार की ध्वनि के माध्यम से आपको इन शब्दों को याद रखना चाहिए। गलती, गलती को लोग इस प्रकार से गलती बोलते हैं और गलती लिख देते हैं। देखो गलत शब्द होता है गलत और फिर गलत हो गया है जो वो गलती, तो गल है ही, गलती, गलती इस प्रकार से बोलना चाहिए। साथियों गालिब शब्द है, अरबी का शब्द है। गुस्सा, गुस्सा शब्द जो है वो फारसी का भी है और अरबी का भी है, दोनों में प्रयुक्त होता है। जनाजा, जिला, जिलाधीश में जो जिला जो शब्द है वो अरबी का है और अधीश जो शब्द है वो संस्कृत का है, तो ये संकर शब्द हो गया, आगे हम बात करेंगे। इसी प्रकार जिस्म, जिस्म में जम नुक्ता नहीं आएगा, जिस्म बोलना चाहिए, जिस्म नहीं होता है, जिस्म। जुनून, देखो जू हरस्व, जू छोटा होता है, नून, जुनून, जुर्म, जौहरी, जौहरी जो शब्द है कितना प्रचलन में शब्द है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा शब्द है कौन सा। इन शब्दों को हमें जो है किसी भी रूप में तबादला, अब आजकल हर व्यक्ति का तबादला होता है, स्थानांतरण नहीं होता। तबियत, कितना प्रचलित शब्द है तबियत, लेकिन अरबी का शब्द है तबियत, तो आपको इसे ध्यान रखना होगा कि तबियत। इसी तरह से देखो और सहूलियत, सियासत, तो ये तकारा त अंत आने वाले जो शब्द है उसमें भी आप इस प्रकार से कुछ आप आइडिया कर सकते हो कि ऐसे जो शब्द है वो अरबी के शब्द है। तासीर, ताश, ताश जो शब्द है वो अरबी का है, लेकिन तुरुप शब्द किसी और भाषा का है, इसका नहीं है। दौलत, अब यहां पर दौलतमंद हमारा शब्द है धन, धनिक, लेकिन यहां पर माया और यहां पर अरबी में दौलत शब्द है। दौरान, उसी दौरान वह आ गया, हिंदी का लोकप्रिय शब्द है। नकदी, इसको नकदी नहीं करें, ये नकदी शब्द है, नकदी। इसी प्रकार नक्शा, फैसला, फसल, मोस करना है। बालिग, बिगुल, मदद, कितना चलता है, कदम कदम पर हम मदद मांगते हैं, लेकिन मदद शब्द हमारा नहीं है। इन शब्दों को अब हिंदी भाषा से दूर नहीं कर सकते, ये हिंदी के अपने शब्द लगते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदी के प्राणों से ये पोषित होते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन शब्दों का जो सोर्स है वो कुछ और है। मसाला, मुसलमान, मुसलमान, मोस करना, ये अरबी भाषा का शब्द है। मुकम्मल, मुकदमा, मुकाबला, मुनीम, ये पूछा गया शब्द है, पूछा गया शब्द है, मुनीम अरबी भाषा का शब्द है। मुमकिन, मुबारक, मुश्किल, मुहब्बत, मुहब्बत पूछा गया शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है मुहावरा, मुंह आवरा, जो मुंह आ जाता है अपने आप जन श्रोतियों से, जन भाषा का ऐसा रूप जो अपने आप ही मुंह पर आ गए, मुहावरा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मेहनत, कुछ लोग मेहनत को इस तरह से मेहनत लिख देते हैं, यह शब्द मेहनत होता है। ला इलाज, ला उपसर्ग है, अरबी और फारसी दोनों में चलता है, ला इलाज, और ज के नीचे नुक्ता लगाइएगा। सलाम, ये मोस करो, सही, हमारा शब्द है शुद्ध, और शुद्ध शब्द संस्कृत का है, लेकिन सही जो शब्द है वो अरबी का है। सिलसिला, सहूलियत, सहूलियत में लीप बड़ा नहीं करें, सहूलियत। सियासत, हद, हमला, हया, लाज और शर्म को कहते हैं। हमारे यहां पर लज्जा शब्द था वो अरबी में हया शब्द बन गया। हुलिया,
उसका हुलिया कैसे था। ये कोर्ट कचहरी की जो भाषाएं भाषा जो है वो अरबी और फारसी, उसके बहुत सारे शब्द उसमें है। हुस्न हुस्न इसी प्रकार हिज्जे मात्रा को कहते हैं, मोस्ट करना इसको, जो मात्रा होती है वर्तनी जो होती है उसके लिए हिज्जे शब्द का प्रयोग होता है। अकबर अदब अदा, अदा से फिर हमने अदाए शब्द बना लिया। अदालत अदालत खुद जो शब्द है वो अरबी का है। अमन देखो संस्कृत का शब्द अमन मन से रहित है, अमन शब्द संस्कृत का भी है लेकिन उसका अर्थ मन से रहित होता है। अमन जो मन से रहित है अबोध की तरह, यहां पर अमन जो है वो शांति का वाचक है, वो मन का वाचक नहीं है। ये हमारा वाला मन बुद्धि वाला मन नहीं है, इसमें अमन शब्द जो है ये पूर्णतः अरबी शब्द है लेकिन इसका अर्थ शांति होता है। अमूमन अव्वल आ गया, अव्वल प्रथम श्रेणी। अहम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक हमारा शब्द है संस्कृत में अहम, म हलंत होता है, एक होता है अहम। ये अहम जो है इसका अर्थ होता है खास मुख्य महत्वपूर्ण, और ये अहम जो है इसका अर्थ होता है मैं। तो शब्द युग में भी आपको कई बार इस प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, इसको आपको इसी रूप में देखना चाहिए। इंतकाल इंतजार, देखो क नुक्ता ये इसको ध्यान रखिएगा, इंतजार इजाफा, कितने लोग जो हैं वो यदि इसको सीख लेंगे बड़ा आनंद आएगा। इसी प्रकार देखिएगा इंसान, इंसान है इंसानियत है, ये इंसान जो शब्द है हमारा शब्द मानव था मनुष्य था उसको इंसान, इंसाफ, इमारत इमारत कितना लोकप्रिय शब्द हिंदी में प्रचलित है लेकिन इमारत जो शब्द है वो अरबी भाषा का है। इरादा उसका इरादा क्या है, इस्तीफा तबादला हो गया इस्तीफा हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो है विदेशक है अरबी के है। इस्तेमाल एहसान औजार मोस करना, औकात औरत बता चुका हूं, और औसत। तो यहां पर ये जो शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे की कक्षा में हम लोग बात करेंगे साथियों जो है फारसी के कौन से शब्द हैं, चीनी भाषा के कौन से शब्द हैं, पुर्तगाली के कौन से शब्द हैं। आप जब तक इस कक्षा को सुने, दूसरी कक्षा आपके लिए तैयार कर रहा हूं और उम्मीद है इसको बहुत जो है ध्यान से आप लोगों को सुनना है, बहुत आनंद के साथ इसको सुनना है। मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि शब्दों को जब सुनते हो तो प्रेम से सुना करो, यदि इसको ये सोच लोगे कि कैसे याद होगा तो कदाचित हो सकता है बहुत सारा नुकसान आपको होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, सभी को शुभकामनाएं।